यूएस वीजा का कंप्लीट प्रोसेस और इसमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यू में, तो इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सेलर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका सेलर फ्रेंड शुभम आज आया हूँ एक नया टॉपिक लेके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यूएस वीजा का प्रोसेस बहुत सिंपल है। बहुत से बच्चे जो भी अभी फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो वो डर जाते हैं और उनका वीजा जो रिजेक्ट हो जाता है तो उनके पैसे भी बर्बाद होते हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं प्रोसेस क्या है। तो आप जो सेलर्स हो तो सेलर्स के लिए C1D वीजा लगता है। C1D होता है तो इसके लिए आपको $160 पे करने होते हैं। तो आपको जो आपकी कंपनी है वो सब बता देगी कि कैसे अप्लाई करना है वो सब। तो अगर इस पे वीडियो चाहिए तो किसी और दिन बना दूंगा, ये एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ प्रोसेस जानते हैं। तो सबसे पहले आपको यूएस का जो फॉर्म है वो भरना होता है। फिर उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट डेट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट डेट में दो टाइप के होते हैं, एक होता है जो बायोमेट्रिक वाला डेट होता है और दूसरा होता है इंटरव्यू वाला। तो दोस्तों, ये सब होने के बाद आप जब बायोमेट्रिक के लिए जब जाओगे तो बायोमेट्रिक वाले दिन आपको एक याद रखिए कि आपको कोई सामान नहीं लेके जाना है। वो कुछ नहीं अलाउ करते, जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्टफ है या फिर जैसे कि पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच, मोबाइल, वो सब वो कुछ अलाउ नहीं करते। इवन बैग अलाउ नहीं करते। तो मेक श्योर कि आप जब जा रहे हो तो किसी बंदे को लेके जाओ, या फिर वहाँ पे लॉकर्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि आई गेस वो चार्ज करते हैं ₹500 एक लॉकर का। तो आपका अगर इम्पोर्टेंट जो कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ है तो वहाँ पे आप रख सकते हो, अगर आपके साथ कोई फ्रेंड या कोई भी रिश्तेदार नहीं है आपका सामान लेने। तो दोस्तों, वहाँ पे जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाओगे वहाँ पे आपको तीन चीज़ें लेके जानी होती है, मतलब चार चीज़ें लेके जानी होती है। वो है CDC पासपोर्ट और आपका DS-160 फॉर्म कंफर्मेशन और आपका जो इंटरव्यू डेट कंफर्मेशन फॉर्म है, जो दो फॉर्म्स होते हैं कंफर्मेशन वाले वो आपको लेके जाने होते हैं। तो DS-160 फॉर्म आपको नहीं लेके जाना है, जो कि आपने पूरा भरा हुआ रहता है DS-160 फॉर्म, वो आपको नहीं ले जाना होता है। आपको बस ये दो कंफर्मेशन वाले फॉर्म और बाद में CDC और आपका पासपोर्ट। तो इसके बाद में जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपका मान लीजिए कि 2:30 को आपका इंटरव्यू हो, ये इसका अपॉइंटमेंट है, तो आपको जाना होता है 2 बजे या फिर 1:30 बजे। तो वहाँ पे लाइन होगी, वहाँ पे आपको रुकना होता है, फिर वो टोकन देंगे और अंदर भेजेंगे। अंदर जाते ही आपका 10 मिनट्स में काम हो जाएगा, आपको बहुत देर नहीं लगेगा। वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स होते हैं तो आप वो आपको गाइड करेंगे। तो आपको वहाँ पे जाके सिर्फ आपका बायोमेट्रिक जो भी है देना है और आपका जो फोटो, एक फोटोग्राफ ले लेंगे वो। फिर इसके बाद में जो आपके पासपोर्ट है, पासपोर्ट के पीछे एक स्टिकर लगा देंगे और आपको फिर भेज देंगे। तो ये हो गया बायोमेट्रिक वाला डे। तो इंटरव्यू वाले दिन कैसे होता है? तो इंटरव्यू वाले दिन भी दोस्तों सेम प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें आपको डॉक्यूमेंट में एक चीज एक्स्ट्रा लेके जानी होती है, वो है आपका कंपनी का एम्प्लॉयमेंट लेटर। तो आप अगर सेलर्स हो तो कंपनी को आपको बताना होगा कि मेरा वीजा का इंटरव्यू है, तो वो आपको दे देंगे ये एम्प्लॉयमेंट लेटर। तो जब आप जाओगे तो वहाँ पे सेम प्रोसेस, जैसे कि लाइन लगता है आपका, समझो कि 1 बजे है तो आपको 12 बजे या फिर 12:30 बजे जाना होगा। तो फिर वो आपको बुला लेंगे अंदर, फिर इसके बाद में लाइन थ्रू प्रोसेस होगा। सब प्रोसेस होने के बाद एक काउंटर आएगा कि वहाँ पे आपको आपका CDC पासपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट लेटर, ये तीन चीज़ें वो देख लेंगे। तो इसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत सारे इंटरव्यूअर्स रहते हैं जो कि यूएस ऑफिशियल्स ही रहते हैं, तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे। जब आप इंटरव्यू के लिए वहाँ पे उस काउंटर पे जाओगे तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो ले लेंगे, CDC और पासपोर्ट ले लेंगे चेकिंग के लिए। तो इसके बाद में वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि आपने अगर ऑलरेडी सेल किया है तो पूछेंगे कि कितने मैंने सेल किया है, किस टाइप के वेसल पे सेल किया है, और ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी ड्यूटीज क्या है। अगर आप TME हो तो पूछेंगे कि TME के ड्यूटीज क्या होते हैं, अगर आप डेकेडेट हो तो डेकेडेट की ड्यूटीज, या फिर आपका जो भी रैंक है उसके ड्यूटीज पूछेंगे। और इसके बाद में दोस्तों वो और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि आप अगर फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो तो आपका वेसल का नाम पूछ सकते हैं, या फिर आपका ज्वाइनिंग पोर्ट, और आपका वेसल में क्या ड्यूटी है, और आपका वेसल कहाँ पे सेल करता है, कौन से रूट से सेल करता है। या फिर वो ये भी पूछेंगे कि अगर आप को समझो यूएस में आपको शोर लीव मिला और आपको वहां पे इससे डबल या ट्रिपल सैलरी दे रहे हैं, तो आप वहां पे सेटल हो जाओगे या नहीं। तो ऐसे केस में आपको ना मना करना है, आपको कहना है कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, या फिर आपकी यहाँ पे फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है तो आप उसको उनको छोड़ के नहीं जा सकते, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर वाइफ है, जो भी है वो आपको कहना है। क्योंकि अगर आपने कहा कि हाँ मैं वो सैलरी ले लूंगा या फिर वहां पे सेटल होने का सोच रहा हूँ, तो वो आपका वीजा स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देंगे। और फिर दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको कोई वहाँ पे ब्राइब दिया, मतलब आपको
किसी ने ब्राइब दिया है ये सब काम करने के लिए, या फिर कोई आप अलग इंटेंशन से वहां पे जा रहे हो, तो ऐसे सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो सब वो सिर्फ चेक करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको मतलब अच्छे से बात करना है, जैसे कि नॉर्मली आप बात करते हो वैसे ही बात करो, आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों का वहां पे वीजा रिजेक्ट होते हुए देखा है, रीजन अलग अलग था, मतलब कि शायद किसी को बात करने नहीं आया या फिर कोई उनको डाउट हो गया तो वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसके बाद दोस्तों क्या होगा, अगर आपका वीजा अप्रूव हो गया तो वहां पे ही बता देंगे कि वीजा अप्रूव हो गया है और वो आपका पासपोर्ट जमा कर लेंगे। इसके बाद एक आपको एक्नॉलेजमेंट शीट देंगे, तो ये आपको लेके जाना है। इसके बाद 2 या 3 दिनों में आपके घर पे वीजा आएगा, अगर आपने प्रीमियम डिलीवरी सिलेक्ट किया है DS-160 फॉर्म में। प्रीमियम डिलीवरी अगर सिलेक्ट नहीं किया तो आपको वीजा सेंटर में जाके ही वहां पे कलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आपने प्रीमियम डिलीवरी सिलेक्ट किया है तो आपके घर पे आ जाएगा 2-3 दिनों में वाया पोस्ट। फिर इसके बाद आपको कुरियर बॉय को ₹650 पे करने होते हैं और आपका वीजा आ गया। तो दोस्तों ये था सिंपल प्रोसेस US वीजा इंटरव्यू और उसका एप्लीकेशन का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।